bounce when she walk, then bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk. रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब बे ठीक ठाक है। अच्छा लीवी, बात ये है कि 2023 तो अब गया है, कुर्बानी 2023 की खत्म हो गई, अब नेक्स्ट कुर्बानी है 2024 की, ठीक है ना। अब बड़े बंदों के जेहन में सवाल ये है कि जो चीज़ें हमने बकरों को 23 में खिलानी है वही बकरों को 24 में खिलानी है, तो बकरे हमारे बन जाने हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 2023 में जो हमने बकरों को खुराकें दी थी वो खुराकें बेसिकली इस वजह से इतनी तेज दी थी क्योंकि बकरे जल्दी अब ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सभी बंदों को तकरीबन जितने बंदे आए थे जिन्होंने हमारी खुराक को बकरे पाले हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, जो मेरे यानी कि फॉलो करते हैं हर बात को, उन सभी को मैंने बोला कि मुझे अपने अपने बकरों की तस्वीर भेजें, वीडियो भेजें, मैं देखूँ कैसे बने हैं। मेरे ख्याल से 100 में से तो 90% बंदों के बकरे बड़े अच्छे बने हैं, 10% के नहीं अच्छे बने। वो 10% के ना अच्छे बनने की वजह भी ये थी कि उन्हें मेहनत नहीं की और कईयों के बकरे यानी कि अंदर से यानी कि अंदरूनी तौर से बीमार थे, या कोई बीमारी थी, किसी का जिगर खराब था, किसी का पिपरा, किसी का मेदा, इस वजह से। अब बंदों के जहन में बात यह है कि वो ही खुराक हमने बकरों को डालनी है, हमें कोई नहीं जरूरत किसी और खुराक की, ठीक है। ये बात अपने जेल से निकाल लें, 6 महीने के पीरियड में हमने अपने बकरों को किस लेवल पे ले गए हैं ये आप सभी ने देखा है। अब आप ये अंदाजा लगाएंगे, अब तुम्हारे पास साल का टाइम है तो साल में हम क्या करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, सभी सब्सक्राइबर से, जो जो मुझे फॉलो करते हैं और जो जो मुझे फॉलो करके भी और हमारी खुराकें दे के और हमारे तरीके इस्तेमाल करके अपने बकरों को बना के और लोगों को कहते हैं नहीं जी यार साड़ी अपनी खुराकें ने असि अपने तरीके ने, ठीक है, वो भी मेरी बात सुन लें, आप भी सुने। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, अब एक चीज़ की बुनियाद है, ठीक है, बकरे की बेसिकली एक बुनियाद होती है। बकरे की बुनियाद रखनी कैसे है, सबसे पहले हमने बकरे का काम करना है, बकरे का सीना बनाना है, फिर हमने उसके बकरे के पीछे उसके पुट की तरफ जाना है, पुट से वो तीसरा स्टेप और दूसरा स्टेप उसका पिछले रानी शानी है वो बनानी है, तीसरा स्टेप उसके पुट के। बार बार यही बात कहता हूँ मैं, हमेशा से यही पिट रहा हूँ, पिट पिट के मैं थक गया वहाँ कि टेड शेड ना कोई कर दी, बकरा पूरा होना चाहिए लेवल का, ठीक है, जितना पीछे से ऐसे ही आगे से हो। असी को बकरी सुई वो लोगों को हानि की साड़ी बकरी है सूंगा ली एडे ढिड छड़ छड़ना बकरे का, ऐसा कोई नहीं है, सीधा लेवल का बकरा होना चाहिए। अब मेरा बकरा पिछले दफा मैं लिया था 60,000 का परचेज किया था मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे उस, अब कई बंदे समझ लो गए तो बकरा का ढिड भी निकलिया, ये नहीं हुआ, बकरे के अंदर से 83 kg गोश्त निकला पल्ले उतार के, 83 kg गोश्त बकरे से निकलना हाले का घर भी होता। जो मैच जो बकरे आप देख रहे हैं जिनका वजन 300-300 किलो बताते हैं, उन्होंने 100-100 किलो गोश्त निकलता है, जितना उन्होंने महीने का 2-2 लाख खर्चा करते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ठीक है। मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये वाला है कि अपने बकरों को पेटों को छोड़ दें, बच्चे हैं किसी के पास, बड़े बकरे हैं, दूंदे हैं, चौगे हैं, खीरे हैं, जिस लेवल के भी हैं, एक रूटीन बांध लेनी है आपने। अब वो रूटीन क्या है, सुबह दाना डाल, फिल वक्त गर्मियाँ बड़ी, गंदम बकरे की बंद करें अपनों की, जो नए बकरे लेके आए हैं, चने की दाल रात को भिगोनी है, भिगो के सुबह बकरे को सिर्फ वो देनी है, सिर्फ चने की दाल, ठीक है। जिनके पास छतरे बकरे हैं वो काले चने दें, छतरे को काले चने और दूसरे बकरे को चने की दाल, बस। गंदम, सूड़ी, तूड़ी, ये कोई चीज़ वंडे में ऐड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ छोले दाल टक बन लो एक और सीसम देना है। अब जिस चीज के पास जिस जिस लेवल का बकरा है मुझे तस्वीर सेंड करे, मैं उसे फिर बताऊंगा कि आपने उसे किस तरह कितनी खुराक डालनी है, ठीक है। और दोपहर को क्या करें आप, दोपहर को दूध पिला दें बकरों को, दूध छूट डालें, ठीक है बकरे, ठीक है। अभी मैं आपको ना रूटीने बता रहा हूँ खुराक की है कि किस तरह। अब दोपहर को आपने क्या करना है, आपने बकरे को दोपहर को दूध डाल लें, दूध दोपहर पे ले पट्ठे रात को ले लें, फिर वक्त जो मौसम है, अब जिस जिस तरह मौसम चेंज होता जाएगा खुराकें चेंज होती जाएंगी, ठीक है ना। अंब गर्मियाँ जाता है तो कीनू सर्दियाँ जाता है,
बकरियां की खुराक का भी सिस्टम होना है। बकरियां सर्दियों के कोई और खुराक पसंद है, गर्मियों की और खुराक पसंद है। डंगर बकरा तो जो मर्जी पाओ उन्होंने खानी खाना है। नहरीला बकरा खुराक मौसमी पसंद करता है, समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब आप वो सर्दियों में आम देंगे ना आपको वो लुत्फ नहीं आना, और गर्मियों तो की लिया देखा तो नोचा से नहीं आनी होती है। जो मौसमी चीज़ है, मौसमी चीज़ का मजा अपना ही है, ठीक है। ये बात जिम रखनी है, किसी ऐरे गहरे की बात पे नहीं जाना। वनडे ये सॉरी ये वनडे क्या है, फीडें ये टीएम मारे ये खलने ये जो जो ये लवाजमाते हैं ये लोग दे रहे हैं, इनों से दूर रहना है। नफीस बकरे पालने हैं, डेकोरेशन पीस पालने हैं, मैचले बकरे सानू पाने की लोड़ को नहीं। असी इन जो पुत्र को नहीं है, सीधी गल साहब ना, मैं जो पुत्र कोई ऐसा डे रिश्व मेरे ख्याल में कुछ सौ की लखा च एक बंदा होंगे, ठीक है। वो बकरे हैं जरा और लेवल के, और ना ही वो पाल सकते हैं, उतनी खुराक बकरों को दे सकते हैं, बात सीधी साफ है, ठीक है। मोटे छोटे करने वाले बंदे बड़े नुस्खे बताएंगे वीडियोज में, बकरा मोटा असी नहीं मोटा करना, उन्होंने तो आप ही कर, असी तो नहीं मोटा करना, असी बकरे को कद लेना है। चने की दाल इस इन दिनों में दोपहर को दूध रात को पट्ठे, तेल तो मस्त देना है ना, ठीक है। तेल इन दिनों में तेज दें, समझ आ गई। अगर आप 30 देते हैं 40 दें, 40 देते हैं 50 दें, 50 वाला 60 दें, इन दिनों में तेल तेज कर देना है। सोन भाग होता उनके मौसम में, बकरे को बचाओ, ओम करना बकरे है, ठीक है। लस्सी नहीं पिलानी किसी ने भी, लस्सी वाला टाइम निकल गया, लस्सियाँ ईद पर पिलाई दी ने मोटे करने वास्ते, लस्सियाँ भरा ओन कर छोड़ो। बकरे को अद्धा किलो दही पा लो, पाओ दही, अद्धा किलो दही थोड़ा पानी पा के बस वो पा लो। ये तीन जो खुराकें हैं ये बकरों को देनी है, इसी तरतीब से बकरे आगे लेके जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हर मौसम की खुराक, हर वीडियो में मेरे ख्याल से हर वीडियो में मौसम चेंज होगा। मेरी कोशिश अब ये है कि 4-5 दिन बाद एक वीडियो लाजमी लगाया करूँ बकरों की। बकरे अभी मेरे पास को नहीं आए, किसी किस्म के अभी परचेज को नहीं किए। दो बकरे गिफ्ट आए हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, एक वो बकरे हमारे पास वो छोटा हमारे उखाड़ सिंह भाई ने गिफ्ट भेजा है, एक बकरा है हमारे अक्रम साहब है उन्होंने मक्खी जी ने मुझे गिफ्ट भेजा, कोई बच्चा है तकरीबन 7 महीने का है, 6-7 महीने का। देखें अब कहने का मकसद यह है कि मैं ये नहीं कहता कि वो बकरे अच्छे नहीं हैं, बड़े अच्छे बकरे हैं वो। अब मैं कहूँगा वो बकरे वो बोलने दें जी 48 झूठ, 48 बकरा नसीबों से होता है, 45 भी नसीबा नहीं होता है। 45 फीते मार गए तो 42 अलग फर्दा निकल रहा है, ठीक हो गया। बकरों को दाना दूध और पट्ठे लाजमी स्टार्ट कर दें, जंतर आ रही है अभी हर इलाके में आ रही है, जंतर स्टार्ट करें तो रात को उनको पट्ठों में जंतर दे रही है, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, कोई लोड़ शोर को नहीं है। अब कई बंदे कह रहे हैं कि बिलाल भाई ने चैनल छड़ छड़े हैं, बस है नहीं सी, मैं उन्होंने सिर्फ इन्ना कहना इन्ना नहीं सी है और बस उन्ने ही सी, हूँ स्टार्ट हो रहा सारा कुछ, ठीक है। अब जिन बंदों के जिन में ये बातें हैं कि असं हलवे खुआ लाँगे, असी हूँ इन्हों बुला लाँगे, तारे पीले पिला लाँगे, असं सरों खुआ लाँगे, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम है, अपनी कोई वंड छंड नहीं बकरे लानी है, ये बात जेब में रखना। ऐवी बकरे को जो सीधे पदरे बकरे खराब कर पाओ। हलवे का भी मौसम है, तारे मिले का भी मौसम है, हर चीज़ का एक मौसम है, मौसम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनती जाएगी, बताते जाऊँगा जीवन की खुराक स्टार्ट करो बकरों को। अब आपको मैंने कहा चने की दाल गंदूनी सिर्फ चने की दाल और छतरे जो रखे हुए हैं वो चने खाले चने रात को भिगो दिए, सुबह उनको डाल दिया बकरों को, ठीक है। उसके फौरन बाद तेल पिलाया, फिर दूध पिलाया, फिर रात को पट्टे पिला दिए खिला दिए। बच्चे ने भी किलो पिलाना दूध तो व्डे ने भी किलो ही पिलाना, ठीक है। बच्चे का खर्चा बहुत है, बच्चे ने से परहेज करें, बड़े बकरे खरीदे कम अज कम दूंदा चौका हो वो खरीदे, ठीक है ना। ये छोटी सी बस वीडियो थी, यही बताना था। वीडियो लेट आने की बड़ी माजरत, उसकी वजह यह है ईद थी, कुर्बानियों में बिजी थे, कभी कोई बंदा उधर धरू के लै जाना जी, उधर धरू के लै जाता है, उन मुनु बकरा लैके दो मुनु बकरा लै, फिर किसी की आगे ना नहीं होती है। हाँ सच एक और बात मुझे याद आ गई, अब पिछले साल हमने बकरों को खिलाए थे हलवे, वो हलवे इसलिए इतने देर खिलाए थे को एंड पे थे हम जलेंगे हुए, ठीक है ना, वो जरा टाइम और था। इस साल बकरों को हमने हलवे से यानी कि हलवे से पहले खिलाने से पहले और एक चीज़ खिलानी है, वो इंशाल्लाह जब वो अब वो दिन करीब आएंगे ना मैं उतना दसांगा।
मैं दस नूर भी दस सकना वा पर हूँ पता मैं क्यों नहीं दसना क्योंकि जो मैं पहले दसिया ना तो उस मैं बड़े बंद ने फोन ही किए तो बड़े बंद किस भाई दूसरे बंद क्या सू पहले पता सी सू पता सी किस तरह बंद है तो पता ही तो दसना नहीं किस तरह बंद है छुपाया क्यों सी सारे बंद मुझे फोन करके कहते हैं कि सर सू छे छे हजार का इन्ना दें रहे हैं एक डब्बी छोटी और नेविया ग्रीन डब्बी नीले रंग वाली ओली वो डब्बी सू दें रहे दो दो तीन तीन हजार रुपये की ज्यादा तो पुत्र तेल बना के पांच हजार का जी बोतल दें रहे हैं लोगों को पर बाटी का आई दसो यार कोई गल करने वाली पर जी मैं यही कहूँगा बकरे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ऐसे होंगे जब हम उठे साल पूरा टाइम साढ़े को लगे ही है ठीक है। तो यही छोटी सी वीडियो थी यही बतानी थी। हाँ मैं जो लोग क्रिटिसाइज करते उनको मैं ये बता दूँ असी भाजी बकरे हलू ही खुवाने ने असी खीर भी खुवानिया ने क्योंकि साढ़े को पैसे है ने असी तेल ही पिलाना है क्योंकि साढ़े को असी पैसे है ने असी फिर तीसरे नंबर पर आके असी बकरे सोयाबीन भी खुवाना है क्योंकि साढ़े को पैसे है ने वो 250 रुपये किलो है ना नहीं बने महंगा होगा होगा पैसे 250 पता नहीं कितने का हो गए असं सोयाबीन भी खुवाने बकरियां असी बादशाह जोधरे भी खुवाने असी हर शहर की बकरे खुवानी वो शहर खुवानी है जी इन्होंने वेखी भी नहीं होनी है ठीक है तो इन्होंने मंडिया के फिर सू पुछ लोगों को पुछना होना है क्या कितों लभदी है कितों लभदी है ऐसा लोगों को दसना करना है पुछना होना ठीक है। तो किसी की बातों पर ना जाए सिंपल नफीस रहे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से बकरे बहुत नफीस बनेंगे ठीक है ना। अगर मैं लोगों को बकरे लैके कौन सा देता पाया पर हूं इस दफा मैं लैके इंशाल्लाह देवगा ठीक है। तो बकरे लै देंगे तो इन्होंने उतरे भी कहना हाँ तू बच्चा लख का लैके देने लगे तो बड़ा बकरा लख का लै लिया ठीक है। वजह यह है कि अगे आज से चार पाँच साल पहले का 10,000 अभी का 1,00,000 रुपये बन गया ठीक है। ये बकरे महंगे होने की वजुहते भी वजह ये है कि यही बंदे हैं वो ये मंडियों में जा जाके लोगों को चुक चुक के ना अंज उन्होंने तो उन्होंने बकरे रेट लगे तो चढ़ा सकते हैं ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं कोई ऐसा बात नहीं है ठीक है। बस ये छोटी सी वीडियो थी और अपना ख्याल रखें अपना ध्यान रखें लोबिया नहीं खिला रहे बकरों को बिल्कुल भी ना बकरों लोबिया खुवाने ना बकरों काढ़वी कोई छावा खुवानिया ने तो ना बकरों को ऐसा कोई छावा खुवानिया ने कि जिद ना जो बोरियां भरी होंगे समझ गए तो भेज भोग भी खुवाई दी वो भी नहीं खुवानी ठीक है ना। बड़ी मेहरबानी है सब।